हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ये एंकर के थ्रेड्स हैं सारे। ये और उसमें जो पिंक यूज़ कर रही हूँ मैं वो 27 नंबर है उसका। जो ग्रीन वाला है वो 268 नंबर है और जो रेड है वो 47 नंबर है और जो येलो यूज़ होगा वो 291 नंबर। तो आप इसमें और इसके 6 स्ट्रैंड्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला जो भी आपके पास अवेलेबल है धागा एम्ब्रॉयडरी के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही मिलेगा तो आप करेंगे। तो ये मैं 6 स्ट्रैंड्स इसके यूज़ कर रही हूँ। इस वाला ये जो स्टिच बनाएंगे हम इसमें यहाँ से हम एंड से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे फिल करूँगी हेरिंग बोन स्टिच के साथ। अब हम इसको दूसरे कलर के साथ कंट्रास्ट कलर के साथ बनाएंगे। आप सेम लाइट एंड डार्क शेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 6 स्ट्रैंड्स ही इसके भी यूज़ कर सकती हूँ। 6 के 6 धागे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से आपने तकरीबन इतना इसे इस पैटर्न को कवर करना है, 1/3। फिर यूं आपने इसको इस धागे के नीचे से आपने नीडल गुजारनी है, नीडल आपने अंडर इसके इस धागे के पास करनी है और फिर यूं इसे आपने खींच लेना है यूं ऐसे और धागा इस साइड पे रहेगा। ठीक, अब आपने इस डायरेक्शन से इस साइड से हमने स्टिच लेना है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ लेना है। नीडल की डायरेक्शन ये होगी आपके।
अब सेम ऐसे ही आपने सेकंड लीफ भी करना है। इस तरह से सेम इसी तरह ही आप इस ये वाली पेटल जो है इसे भी फिल करेंगे। पूरे का पूरा फ्लावर जितना भी जो भी स्टाइल आप लें, जो डिज़ाइन लें आप, वो आप पूरा पहले इस स्टिच के साथ फिल कर लेंगे और उसके बाद ये वाला करेंगे, ताकि आपको भी इजी रहेगा और आपका धागा भी जो है वो वेस्ट नहीं होगा। अब हम ये स्टेम स्टिच के साथ बनाएंगे। और मैं 6 स्ट्रैंड्स इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। अब हम ये ब्रांचेस बनाएंगे। इसके लिए आपने ये ऐसे यूं स्ट्रेट लिया पहले, फिर यहाँ पे भी आपने टर्न करना है उसे, वहीं से आपने नीडल गुजार के यूं धागे के ऊपर से फिर आपने इसे काउच कर दिया। ये देखिए ऐसे यूं। अब हम यहाँ पे इन जगहों पे या कहीं भी किस जगह पे भी आप फिल करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी सी लुक आती है फ्रेंच नॉट के साथ, तो हम फ्रेंच नॉट बनाएंगे यहाँ पे।
इसी तरह से आप यहाँ भी चाहें इसको फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर सकते हैं। और आप ये वाला जो डिज़ाइन है, ये जो पैटर्न है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने एक्चुअली बोट नेक का ये वाला जो डिज़ाइन है बनाया है। आप बोट नेक हो या राउंड नेक हो या वी हो, जिस तरह भी आप चाहें इसके ऊपर उस शक्ल में ले सकते हैं। आप इसे साड़ी के पल्लूज़ के ऊपर बहुत खूबसूरत बेल की शक्ल में बना सकते हैं। आप साड़ी ब्लाउज़ की बैक साइड पे या फ्रंट पे, जहाँ आप चाहें इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। ये बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है बना हुआ। आप इसको इवन आप बेड शीट्स के ऊपर इसको बहुत अच्छे तरीके से सर्कल्स में बना सकते हैं। आप इसको एक बेल की शक्ल में बना सकते हैं। ये स्कर्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है आप इस स्टिच के साथ, और इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनती है ये। तो आप इसे होपफुली आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इसे अपने कॉटन के ड्रेसेस के ऊपर, सिल्क के, इवन किसी शिफॉन के ऊपर बहुत खूबसूरत लगता है ये। आप किसी भी टाइप के कपड़े के ऊपर इसे बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।